नाउ अगर आपको ये पता करना है कि कितने काउंट है डॉक्यूमेंट का, ठीक है, तो वो उसके लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं वो देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने यूज़र्स को सेलेक्ट किया, तो सारे यूज़र्स मुझे इससे मिलेंगे यूज़र डॉट फाइंड कहने से। नाउ मैंने इसको सेव किया और कंसोल ओपन करेंगे, तो यहाँ पर जितने भी यूज़र्स मुझे मिले हैं उनका मुझे काउंट चाहिए कि कितने यूज़र्स हैं। तो मैं इसके लिए यहाँ पर यूज़ करूँगा काउंट का, ठीक है, काउंट। ये काउंट फंक्शन, इसका यूज़ करने से हमको नंबर कितने हैं वो हमको यहाँ मिल जाएगा, लेकिन ये जो है डेप्रिकेट हो चुका है, ठीक है। उसको सेव करेंगे और देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर मैसेज आता है कि काउंट डॉट कलेक्शन डॉट काउंट इज़ डेप्रिकेटेड, ठीक है। तो मुझे काउंट लेकिन मिल रहा है 4 है, नंबर ऑफ जो डॉक्यूमेंट है मेरे पास 4 है। और तो जो मुझे काउंट यूज़ नहीं करना है यहाँ पर, मैं अब यूज़ करूँगा काउंट डॉक्यूमेंट्स, ये न्यू है, ठीक है। सेव करेंगे तो यहाँ पर मुझे मुझे जाता है काउंट, तो कितने डॉक्यूमेंट हैं 4। नाउ ये तो सारे मिल गए, लेकिन अब अगर आप यहाँ पे कोई क्वेरी यूज़ करते हो, मतलब कि फ़िल्टर करते हो डेटा को, और फ़िल्टर करने के बाद चाहते हो कि कितना काउंट है उस डॉक्यूमेंट का वो मुझे चाहिए, तो आप सिंपली इसके बीच में फ़िल्टर लगा दीजिए डॉट, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने और यूज़ किया, तो और में मैंने यहाँ पर कहा जिसका नेम वीरेंद्र है, ठीक है, जिसका नेम वीरेंद्र है उनका मुझे काउंट चाहिए, तो ये मुझे काउंट रिटर्न करेगा। कंसोल ओपन करेंगे तो यहाँ पर मुझे 1 मिला। नाउ मैं ये नेम की स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ, किया तो यहाँ पर मुझे 0 मिलेगा, क्योंकि इस नाम से हमारे पास कोई भी नहीं है। ओके, तो इस तरह से मुझे मिलता है। नाउ जो भी चीज़ें हमने यहाँ पर की हैं, लास्ट में आप करेंगे काउंट डॉक्यूमेंट, तो मुझे डॉक्यूमेंट मिलने की बजाय यहाँ पे जो काउंट है वो उसका मुझे मिल जाता है, ठीक है। अगर आप सारे जितने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपके कलेक्शन वो चाहिए, तो सिंपली फाइंड आउट काउंट डॉक्यूमेंट करेंगे तो पूरा जो नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स वो आपको मिल जाएंगे। टोटल 4 है, मैंने यहाँ पर 2 और एक्स्ट्रा ऐड किए हुए हैं, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पर हम किसी भी कलेक्शन में कितने डॉक्यूमेंट्स उसका काउंट यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं।